दोस्तों पहली बार में परफेक्ट मावा गुलाब जामुन बनाने के लिए चाहते हो तो ये रेसिपी ज़रूर देखें। पहली बार में परफेक्ट बनेगा। आप लोग एकदम स्क्रीन पे देख सकते हैं कितना सॉफ्ट कितना स्पॉन्जी बना है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें, यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन नया वीडियो देखने के लिए। ये 500 ग्राम मावा है दोस्तों, ये घर का बना हुआ मावा है जो कि मैं दूध बच गया था तो मैं बना ली थी। थोड़ा गीला है तो इसमें हम टाइट कर लेंगे, जान के टाइट नहीं किए कि थोड़ा हम इसमें मैदा भी ऐड कर देंगे। 300 ग्राम चीनी, 1/4 आधा चम्मच बेकिंग सोडा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा चम्मच इलायची पाउडर, आइए मैदा है जो कि मैं आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ दोस्तों। तो पहले तो पैन में डालेंगे चीनी और इसी में डालेंगे हम पानी पूरा, इससे हम 1.5 से 2 कटोरी पानी डालें तब जाके हम जितना अच्छा आपका गुलाब जामुन का रस बन के तैयार होगा। इसमें एक तार की चाशनी नहीं करनी है, चिपचिपा चाशनी बनानी है। 1 पिंच फूड कलर डालेंगे दोस्तों और इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, खूब बढ़िया से खौलाएंगे। और इसमें फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर ना पसंद हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब ये जो मावा है इसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसको हम अच्छा से गूँथ लेंगे जिससे गोली अच्छा से बन जाए। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी हम डाल देंगे इसमें दोस्तों, अच्छे से हम इसको, देखिए आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब ये अच्छे से गोला बन जाएगा तब हाथ के तलवा से इसको ज़रूर मसलें, क्योंकि मसलेंगे तब जाके फ्लफी होगा और गुठली वाला गुलाब जामुन नहीं होगा। आप पहली बार में आप परफेक्ट बढ़िया गुलाब जामुन बना लेंगे इस वीडियो को अगर अच्छे से देखेंगे तो। तो ये देखिए हाथ के तलवा से ऐसे ही हम मसले हैं और इसको 3 से 4 मिनट लगातार मसलने के बाद ये डो फॉर्म में हो जाता है दोस्तों। आप देख सकते हैं ऐसे ही हल्का सा हाथ में तेल लगा करके इसको हम गोली बना लेंगे, जो कि देखिए आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एकदम, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीला, खूब टाइट भी नहीं इसका डो रहना चाहिए, एकदम नॉर्मल डो रहना चाहिए रोटी वाली, तब जाके आपका गुलाब जामुन बहुत अच्छा बन के सामने आएगा, कहीं से गुठली नहीं रहेगा, इस चीज़ का आप लोग ध्यान दें। तो एक एक करके सभी को हम बना लेंगे। उधर मेरा चाशनी खोल रहा है दोस्तों, जो एक तार की चाशनी बनेगा तो उसको हम बंद कर देंगे, फिर हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे जो कि आप लोग अच्छे से देखें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इतना अच्छा गुलाब जामुन सब अपने घर में आसानी से घर की चीज़ों से बना सके दोस्तों। तो ये देखिए सब गोली बन के तैयार हो गया, ये देखिए अभी इधर चाशनी भी बनने के लिए तैयार है। अब इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे इसी स्टेज पे। तो ये देखिए अब चिपचिपा ये होने लगा है, ज़्यादा हमको चिपचिपा नहीं करना है क्योंकि तार वाली चाशनी हो जाएगी तो फिर हमारा जो गुलाब जामुन है वो चिपचिपा ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम इसको एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, इसको चिपचिपा चाशनी बनाना है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा हो चुका है, अब इसको हम आप लोगों को करके दिखाएंगे कि कैसे ये चिपचिपा बना है। तो आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बन के ये तैयार है, ये हाथ में लगाने से चिपचिपा हो रहा है, एकदम सेम इसी प्रकार का चिपचिपा होना चाहिए, इससे ज़्यादा तार की चाशनी ना करें क्योंकि गुलाब जामुन का चाशनी ऐसा ही परफेक्ट होता है, हलवाई भाई लोग बताते हैं। ये हाई फ्लेम पे मेरा ऑयल है, तो ये वेजिटेबल ऑयल है, ये गर्म हो गया है, एक एक करके हम बॉल्स को डाल देंगे। जैसे बॉल्स डालेंगे तो देखिएगा कि ये फुल फुल के ये डबल हो जाएगा, क्योंकि इतना बढ़िया ये बना हुआ है गुलाब जामुन कि ये होगा नहीं। फिर उसके हम चाशनी में डालेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ये परफेक्ट बन के तैयार होगा। 3 से 4 मिनट ऐसे ही चलाते रहेंगे, मीडियम फ्लेम पर भून इसको पकाएँ, हाई फ्लेम पे नहीं, ऊपर से जल जाएगा अंदर नहीं पकेगा, तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही दोस्तों इसको पकाएंगे। धैर्य से काम करेंगे तो अच्छा फल हमको ज़रूर मिलेगा। तो इस ऐसे ही देखिए इसको हम पकाते रहेंगे, तो 3-4 मिनट हो चुका है, फिर 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, तब जाके ये अपने कलर में आ जाएगा। इसको जैसा आप कलर चाहते हो वैसा, जैसे डार्क कलर चाहते हो थोड़ा डार्क कर लीजिए, और ब्राउन हल्का चाहिए तो ब्राउन, चाहिए तो मैं हल्का डार्क कर रही हूँ, जैसे काला जाम का जो होता है दोस्तों उस तरीके से। ये देखने में खूबसूरत लगता है और खाने में भी मज़ा आता है, मावा का ऐसे ही बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। अब इस स्टेज पे इसको निकाल के सीधे हम चाशनी में डाल देंगे दोस्तों, और दूसरा स्टेज का भी हम तल लेंगे, उसको भी हम चाशनी में डाल देंगे, एकदम सेम, बहुत मैंने इजी है, इसको बनाइए घर में बहुत आराम से बन जाता है, इसको कोई भी बना सकता है दोस्तों। तो ये हम डाल दिए, देखिए इसको ऐसे ही हिला देंगे, ये 2 घंटे बाद खाने के लिए एकदम परफेक्ट रेडी रहेगा गुलाब जामुन। आप जिसको खाइए खिलाइए सबसे तारीफ़ ही तारीफ़ पाएंगे, क्योंकि बनेगा बहुत अच्छा, क्यों जब भी मैं बनाती हूँ मेरे घर में बहुत
इसको पसंद किया जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसको भी ऐसे ही हम दूसरा काहू सेक के और उसमें हम डाल देंगे। तो ये सुपर टेस्टी गुलाब जामुन बनके हमारा तैयार हो जाएगा। रोज़ नया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें और यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए ऐसे ही अलट पलट के सेक करके इसको भी हम उसी में डाल दिए। तो ये देखिए सुपर टेस्टी गुलाब जामुन बनके तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें और लिखें कमेंट में कि कैसा बना है। मैं तो कह रही हूँ 100% बढ़िया बना है। आप लोग बना के बताइएगा कि कैसा बना है। अगर परफेक्ट माप के साथ बनाएंगे तो आपका गुलाब जामुन कभी ख़राब नहीं बनेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, आप निकाल के जिस तरीके से खाना है खाइए और इन्जॉय करिए दोस्तों। तो ये देखिए कितना बढ़िया, इसको अच्छे से हम भिगो लिए हैं। तो थैंक यू सो मच।